PCHS मीडिया देख रहे सारे ही दर्शकों का मेरे वालों स्वागत है। असी आज अपने एक विशेष प्रोग्राम द पर्पल टेल्स के दूजे एपीसोड में पहुँच चुके हाँ। जिवें कि असी पिछली बार गल की सी, यह एक विशेष प्रोग्राम है जिदे विच असी सारिया साउथ एशियन कम्यूनिटी दिया जिन्निया वैमेन ने उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच कोई भी अचीवमेंट की है या फिर किसी भी किस्म का कोई इंपैक्ट सोसायटी के उत्ते किया, असी उन्होंने इस प्रोग्राम दे विच बुलाने हैं, उन्हों का स्वागत करते हैं, तो उन्होंने नाल गलबात का सिलसिला शुरू करते हैं। तो अज के इस प्रोग्राम दे विच साडे नाल बहुत ही विशेष गैसट आए हैं जिन्हों का नाम है सीमा वेंकायला जी। उन्होंने अपनी जिंदगी का सफ़र एक इंडिया के एक छोटे जे शहर तो शुरू किया। अपनी पढ़ाई के नाल नाल उन्होंने अपनी जिंदगी दे विच बचपन तो ही बहुत सारिया मुश्किलों का सामना किया, पर उस सारिया मुश्किलों उन्होंने पार करते हुए अज अपनी जिंदगी सोशल वर्क के नाल जोड़िया है। सोशल वर्क के नाल सीमा जी अपनी जिंदगी ते अपने आप को बहुत करीब तो जुड़िया महसूस करते हैं। आओ इस बारे खुल के गलबात करते हैं सीमा जी नाल। सीमा जी स्वागत है बहुत बहुत शो दे विच। थैंक यू सो मच एंड मैं अपने सारे दर्शकों का भी थैंक यू कहना चाहवागी कि मैं इस ओपरचुनिटी दी गई गल करन दी। थैंक यू सो मच सीमा जी। तुसी आज साडे नाल गलबात करो भी जदों तुसी ए फील्ड अपनाया सोशल वर्क दे विच आए, थोड़े मन दे विच किदां दे विचार सी, तुसी अपने आप नू इस फील्ड दे विच लैके आउण लई किवें जुड़िया होया या इस फील्ड ने थोनू किवें आवाज़ मार के अपने कोल बुलाया? आई थिंक जितों तक मैं लगता है कि सोशल वर्क तो मैं बचपन तो ही कर रही सी या मैं बचपन तो सोशल वर्क देख रही सी शायद अपने घरों ही, क्योंकि जितों तक मैं याद आता है कि कमिंग फ्रॉम माई फैमिली जिथे लाइक यू नो डोमेस्टिक अब्यूज़ देखना, मेरी मदर ने काफ़ी साल 17 ईयर्स शी वेंट थ्रू डोमेस्टिक अब्यूज़, बट उस डोमेस्टिक अब्यूज़ के दौरान होंदे हुए भी उसने किस तरह अपने भी वो किदा सोशल वर्क करती सी कि उनको अगर घट है तो वो दूसरे ना किदा वंड सकती है जी। एंड शायद सोशल वर्क मेरा उतों ही शुरू हो गया सी ते बाकी जिंदगी अगे लैके आती गई और मैं वधदी गई इतों तक आने जी। सीमा जी जिमें कि असी आम तौर पर देखते हाँ भी छोटे होंदया तो ही बच्चों के मन च हों मैं डॉक्टर बनना, मैं इंजीनियर बनना या मैं प्रोफेसर बनना, कि ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਇਹ ਸੁਪਨੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਦਲਾਵ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਗਏ? ਸੁਪਨੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਸੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਬਟ ਕੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਯੂ ਨੋ ਈਵਨ ਦਿਨ ਮਾਈ ਟੀਨ ਏਜ ਆਲਸੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ, ਕਿਉਂ ਲੈਸ ਰਿਸੋਰਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਫੀਲ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਮੈਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਰਾਹਾਂ 'ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਮੈਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰ 'ਚ ਐਜ਼ ਏ ਕਲਚਰਲ ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਟ ਵੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬਣ ਗਈ ਤਾਂ ਐਕਚੁਲੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਡੈਜ਼ੀਗਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟੈਗ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਂ ਕੁਰਸੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਐਕਚੁਲੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਹੀ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਬਚਪਨ ਦੇ ਕੁਛ ਕਿੱਸੇ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ। ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਅ ਫੈਮਲੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਮੀਰ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਛੱਡ ਕੇ ਜਿਵੇਂ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਐਜ਼ ਯੂਜੂਅਲ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਇਦਾਦ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਲਾਈਕ ਯੂ ਨੋ ਬਾਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਝੁਕਾਵ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸ ਵਕਤ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਇਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤੱਕ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹਵੇਲੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਘਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਰੈਂਟ ਲੈ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਹੋਮਵਰਕ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਲਾਈਕ ਨਾਈਟ ਬਾਹਰ ਦੇ ਲੈਂਪ ਜਿਹੜੇ ਸਟਰੀਟ ਲੈਂਪ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਕੰਮ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਉਹ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਆਸ 'ਚ ਜੰਮੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਮ ਡਾਇੰਗ ਵਿਦਆਊਟ ਫੂਡ।
ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਲੀ ਆਫਟਰ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਮੇਰੀ ਮੰਮਾ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਡਿਸੀਜਨ ਲਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ ਅਰਲੀ 80s 'ਚ ਡਿਵੋਰਸਿਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ, ਆਈ ਥਿੰਕ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ 80s 'ਚ ਔਰ 2020 'ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ, ਔਰਤ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਰਦ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮਰਦ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਮਰਦ ਹੁਣ ਵੀ ਕੁੱਟਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਿਕਲੀ ਸੋਸਾਇਟੀ 'ਚ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਾਸ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਾਨਕੇ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਜਿੰਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਲੋਅਰ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਈਕ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਖਾਣ ਲਈ ਰੋਟੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ SC ST ਦੇ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੂੰ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਤਰਸ ਆਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਸ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਕੱਪੜੇ ਦਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਕਮਿੰਗ ਫਰੋਮ ਦੈਟ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਐਂਡ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਾਈਕ ਨੂੰ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਆ ਕੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸੋਚਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਨਦਰ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਸੀ ਸਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਜੀ। ਆਈ ਵਾਜ਼ ਵੈਰੀ ਯੰਗ, ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲੀ ਇਨ ਗ੍ਰੇਡ 5 or 6 ਅਤੇ ਉਹ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੂੰ ਤਲਾਕ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਰਮਿੰਦਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੂਸਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ, ਐਂਡ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡਾ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਹੁਣੇ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਲੱਗ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਵਿਚਾਰੀ ਸੀਮਾ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਐਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਐਮਪਥੀ ਔਰ ਸੈਂਪਥੀ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੀ ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕੀ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮਾਹੌਲ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਸਭ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲਦੇ ਚੱਲਦੇ ਐਂਡ ਫਾਈਨਲੀ ਮੰਮੀ ਡਿਡ ਗੋ ਅਗੇਂਸਟ ਹਰ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਦੈਨ ਸ਼ੀ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਗੋਟ ਰੀਮੈਰਿਡ ਅਗੇਨ ਜੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਸੰਘਰਸ਼ 'ਚੋਂ ਲੰਘੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਚਪਨ ਇੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਭਰਿਆ ਨਿਕਲਿਆ, ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਆਇਆ? ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੈਕਿੰਡ ਫਾਦਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ ਅਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਪ੍ਰੋਬਲੀ 12-13 ਈਅਰਸ ਓਲਡ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੰਮੀ ਨੂੰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਟਾਈਪ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ 3 ਭੈਣਾਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਕੀਆਂ ਦੀ ਤਾਂ ਡਿਊ ਟੂ ਲੈਕ ਆਫ ਫੂਡ ਔਰ ਸੋ ਉਹ ਮਰ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਜੀ। ਸਾਡਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਉਹ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਪਿਓ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਨਾਲ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਮੰਮੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਇਸ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਖਾਨਦਾਨ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਲੈਟ ਡਾਊਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ਖਮ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਨਮਕ ਚੜ੍ਹਾ ਪਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਡਾ ਭਰਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੋਈ। ਜਦਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬ੍ਰਦਰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਾਸੂਮ ਦਾ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਇੰਨਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਤਾਜ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ ਤਾਂ ਬਸ ਵਿਆਹ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਆਈ ਵਾਜ਼ 17.5 ਵੈਨ ਆਈ ਗੋਟ ਮੈਰਿਡ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਫਿਰ ਦਾਜ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਸ ਇਹ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸੀ ਔਰ 3 ਭੈਣਾਂ 'ਚੋਂ ਵੱਡੇ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ ਕੰਡਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ ਜੀ, ਅਤੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਕੈਨੇਡਾ ਆ ਗਈ ਜੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਸਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ 'ਚ ਵੀ ਦੇਖੀ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਵੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਹਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਬਾਕੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਖੁੱਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਪੈਂਦਾ? ਬਿਫੋਰ ਬੀਂਗ ਏ ਹੇਅਰ ਬੀਂਗ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ, ਮੈਂ ਕਈ ਸਾਲ ਹੇਅਰ ਸਟਾਈਲਿੰਗ 'ਚ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ
डिफरेंट बैकग्राउंड के लोगों को मिली बहुत सारे और कई लोगों यही है बट आई थिंक जड़ा जड़ी यातना प्रताड़ना है ना वो जो मैं अपनी सोसाइटी देखी ना वो शायद ओनी मैं कितने नहीं देखी। हाँ उन्होंने लालसा है ललक है उन्होंने अपने लैवल के अब्यूज़ है बट जिस लैवल के अब्यूज़ मैं 1980 अपनी माँ को संघर्ष करते देखा और 2020 मैं अपनी भैन को देखा देर इज़ नो डिफरेंस कोई फर्क नहीं लगता ਸਾਡੀ ਸੋਸਾਇਟੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਕੁਝ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਖੜੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ? ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਹੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਬੀਂਗ ਏ ਸੋਸ਼ਲ ਵਰਕਰ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਮੈਂ ਡੇਲੀ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਉਹ ਐਂਡ ਆਮ ਮੈਂ ਡਿਸਕਰੇਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹ ਅਗਲੇ 200-400 ਸਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਇਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਇਨਕਲਾਬ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਔਰਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ 1980 ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦੀਆਂ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਮੇਰੀ ਵਨ ਆਫ ਮਾਈ ਸਿਸਟਰ ਜਿਹਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ 2009 'ਚ ਉਹ ਮਰੀ ਮੇਰੀ ਮਾਂ 1980 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੈਂਪਥੀ ਉਦੋਂ ਦਿਖਾਈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰੀ ਸੀ ਮਾਂ ਮੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰੀ ਰਹੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਵਿਚਾਰੇ ਵਰਡ ਨੂੰ ਲਫ਼ਜ਼ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਮਝਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਪਥੀ ਔਰ ਐਮਪਥੀ 'ਚ ਫਰਕ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜੋ ਇੱਕ ਡਿਕਸ਼ਨਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੀਨਿੰਗ ਦੱਸੇਗੀ ਪਰ ਉਹਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਜੀ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਅਨਫੋਰਚੁਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਫੈਕਟ ਈਵਨ ਆਪਣੇ ਸੰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਐਮਪੈਥੀ ਔਰ ਸੈਂਪਥੀ ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਔਰਤ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਸਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਂਪਥੀ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਹੈ ਜੀ ਔਰ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ। ਸੋ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਸੀਮਾ ਜੀ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਡੂੰਘੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ PCHS ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੀ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਸਟ੍ਰੀਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਚਾਹਵਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਹੇਠ ਦਿੱਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਟੂਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਇਸ ਲੰਬੇ ਸਫ਼ਰ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਆਏ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਓ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸੀਮਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਸਨ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਹੀ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀ ਭੈੜੀ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਜਾਂ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ। ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰੇਡ 12 ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਲਈ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਗਿਣਿਆ ਜਾਊਗਾ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਚਲੋ ਬੱਚਾ ਸੰਭਲਿਆ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਿਆਹ ਦੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ 12ਵੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਆਹ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਵਿਆਹ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਗ੍ਰੇਡ 7 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸੀ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਤੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੂੰ 18 ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਏਗੀ ਤੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋ ਜਾਣਾ।
ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੋਝ ਹੋ ਘਰ ਦੇ ਧਰਤੀ 'ਤੇ, ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸੁਪਨੇ ਹੁੰਦੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੇ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਬਣਨਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਫਾਇਰ ਮੇਰੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਸ਼ੇਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਵਿਦ ਯੂ, ਸੀਰੀਅਸਲੀ ਮੈਂ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਦਰ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮੈਂ ਕੁੱਟ ਖਾਂਦੇ ਦੇਖਿਆ, ਮੈਂ ਉਹ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਰੋਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੰਮੀ ਤੁਸੀਂ ਪਲੀਜ਼ ਮੇਰੇ ਵਿਆਹ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਸੋ ਸੇਮ ਟਿਪੀਕਲ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਾਂ ਆਪਣੀ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਗੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਸੋ ਅਗਰ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਡਿਡ ਆਈ ਹੈਵ ਐਨੀ ਚੋਇਸ? ਨੋ। ਔਰ ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਉਹ ਤਾਂ ਪੇਨਫੁਲ ਇਸ ਲਈ ਸੀ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫਰੈਂਡਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲਜ ਅੱਗੋਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਲਜ ਅੱਗੋਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੀਆਂ, ਹੈ ਨਾ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਬਚਪਨਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਚਪਨਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਖਤਮ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪੇਨਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕਿ ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੱਕ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਿਡੋਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਅਬੈਂਡਨਮੈਂਟ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਔਰ ਇੱਕ ਕੰਡਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜੀ। ਅਤੇ ਐਂਡ ਆਜ਼ਾਦ ਖਿਆਲਾਂ ਦੀ ਉਦੋਂ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਆਜ਼ਾਦ ਲਫਜ਼ਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਕੁੱਟ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ, ਤੂੰ ਕੁੜੀ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਅਲਾਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਉਦੋਂ ਬਹੁਤ ਸਵਾਲ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਸਵਾਲਾਂ ਨੂੰ ਕਦੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਬੀਜ ਪੈਣਾ, ਉਹ ਬੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਾ ਸਕਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਪਏਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਦਰਖਤ ਬਣਨਗੇ ਜੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਦੈਨ ਆਈ ਥਾਟ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਨਰਕ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਸੋਚ ਹੈ ਬਟ ਉਹਦੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ ਨਰਕ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੋਏਗਾ, ਨੋਟ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਅ ਚੋਇਸ ਜੀ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਾਇਆ ਗਿਆ ਮੇਰੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਰੋਈ ਸੀਗੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਮੇਰੀਆਂ ਫਰੈਂਡਸ ਕਾਲਜ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੀਆਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਮਜਬੂਰੀਆਂ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਉਸਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਈਵਨ ਦੋ ਮੇਰੇ ਸਟੈਪ ਫਾਦਰ ਵਾਜ਼ ਵਿਦ ਮੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਓਗੇ, ਹਾਂ ਕਿ ਇਟਸ ਓਕੇ ਤੂੰ ਪੜ੍ਹ ਲੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਚਲੋ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮਾਂ 'ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਅੱਜ ਇੱਕ ਐਜ਼ ਏ ਵੁਮੈਨ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਕਿੰਨਾ ਸੀ, ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬੋਝ ਇੰਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿਡਲ ਕਲਾਸ ਹੋ ਕੇ ਮੈਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਦਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕੌਣ ਕਰੇਗਾ ਜੀ, ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕੋਈ ਹਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸੋਚ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਅਗਰ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮਾਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ 100 ਖਿਆਲ ਸੀ, 100 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਘਰ ਵਸਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ, ਇਹ ਕੁੜੀਆਂ ਤੇਰੇ ਓਬਸਟੈਕਲਸ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੋਊਗਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਇੱਥੋਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਬੋਝ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਇੱਕ ਔਰਤ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਫੀਮੇਲ ਚਾਈਲਡ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਆਪਣਾ ਹੀ ਜੂਝ ਰਹੀ ਸੀ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸੀ ਜੀ। ਸੀਮਾ ਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ ਕੁਰੀਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਕਿਤਾਬੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ,
जिथे अवेयरनेस की गल हुंदी है या जिथे किते प्रोग्रेसिव गल हुंदी है जे असी उन्हों कह सकते हैं किताबी गल्ला तो सानू कई बार कुरीतियां भी किताबी लगदी ने जदों तक साढ़े नाल नहीं वापरियां। पर अज सीमा जी नाल गल करदे करदे हुण सानू इन्नी समझ आ रही है भी ये सारिया कुरीतियां बाल विवाह बच्चों नू पढ़ाई तो हटा लेना कुड़ियों नू डिवोर्स नू माड़ा समझिया जाना जे अपनी मर्जी नाल तुसी कुछ करन लगदे हो तो उन्हों एक माड़ा लेवल ला देना ये सब कुछ अपने समाज के उन्ना ही प्रचलित है जिन्या कि साड़िया रोज़मर्रा दी एक्टिविटीज़ ने। तो सीमा जी तुसी मैनू एक गल दसो जो असं सारिया कुरीतियां की गल करते हैं सारे तो वड्डी कुरीति मैं अपने अपने ओपीनियन के समझती हाँ भी कुड़ियों नू पढ़ाई तो हटा लेना जदों तक असी उन्होंने पढ़ाई नहीं करावे जदों तक असी उन्होंने दिमाग में वो प्रोग्रेसिव बीज नहीं पावे उन्होंने चंगी तरह सोच नहीं सकनगियां डिसीजन मेकिंग नहीं आ सकेगी। तो थोनू कितों तक लगता है भी कुड़ियों को पढ़ाना उन्होंने सुपने मारने जे असी एक एक चीज़ को हटा दिए तो वो जड़िया बाकी चीज़ा ने वो अपने आप हट दी हो। पहली गल तो सब तो वड्डी गल है पढ़ाई लिखाई साइड पर करो। असी अगर जो पुराने अपने बजुर्गों या उन्होंने घर भी देखते हैं जिथे काफ़ी समझदार औरतां होंदियां सी जी बहुत कोई आई डोंट नो मैं तो या तो कभी कोई इदा छुटपुट कोई पिंडा की गल सुन जिथे कितना कितने औरत नूं भी सरपंच बनाया जाता से जी ठीक है। सब तो वड्डी गल है कि नॉट ओनली गर्ल नूं बट एनी चाइल्ड नूं एक कॉन्फिडेंस और उदी सैल्फ इस्टीम देना एंड स्पेशली गर्ल चाइल्ड नूं एक सैल्फ इस्टीम देना कि जरूरी नहीं है कि कोई 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 पी एच डी कर गया कोई कोई पायलट बन गया और जो अगर वो अपना डिसीजन लेंदी है कि यू नो वट मैं काम छड़ के मैं अपनी फैमिली नू देखना है लेकिन उदे कोलो पावर हैगी है। एक हुंदा है पावर ना होके उसनू महसूस करके उदा मिसयूज़ करना जी। जिंदगी जड़ी है ना उदे च जो मैं अपने हिसाब नाल देखा है कि जो तुहाडे कोल पावर है पर तुसी यूज़ नहीं करना चाहते हो अपनी बच्ची नू उस दिखाओ। ओवर कॉन्फिडेंस देने की जरूरत नहीं है लेकिन कॉन्फिडेंस तो दो जी। ओवर सैल्फ इस्टीम की जरूरत नहीं है कि जो जिथे कितने अपने बच्चे नू लगे कि मेरे तो अगे कोई नहीं है जी। लेकिन उन्होंने सिखाओ कि वह दुनिया की रेस है पर हैगी तो है जी कि तेरा पैदा होना एक कलंक नहीं है जी है ना। तो क्यों मतलब मनिया जाता है कि इट्स बड़ी मेरे लिए हूँ मैं हसदी हाँ इस गल में बट एक बड़ी दुखदाई गल है कि जो वैन माई मॉम वॉज़ अलाइव फ्यू ईयरस अगो मेरे कज़न के घर दूजी बेटी हुई तो मैं इतों फोन किया कि हाँ मम्मी बड़ी खुशी की गल आ कि उन्होंने घर बेटी हुई तो मम्मी ने एक गल कही कि मैं तो ना हूँ अफसोस करना पैना तो मैं तो डर के मारे फोन नहीं कहती थी मतलब मैं उदो सोशल वर्कर नहीं सी। तुसी सोशल वर्कर बनते हो क्योंकि थोड़े चो मैं लगता है कि वह ऑलरेडी तुसी बॉर्न अगर थोड़े चो चीज़ हैगी है तो बनते हो तो मैं किसी मतलब मैं तड़प उठी सी कि मम्मी तुसी की गल कर रहे हो कि तुसी उदी बच्ची दे होने अफसोस करना जी। सीमा जी तुसी सोशल वर्कर हो थोड़े कोल रोज़ दे केसेस आते हैं डोमैसटिक वायलेंस के भी आते हैं डोमैसटिक अब्यूज़ के भी केसेस आते हैं तो असी इस प्रोग्राम दे विच कोशिश करते हाँ जिन्नियां साडियां साउथ एशियन वैमेन ने उन्हां नूं असी एम्पावर करन दी कोशिश करिए। साडे इस प्रोग्राम दा ऑब्जेक्टिव ही यह है भी उन्होंने असी अगे लैके आईए तो जो अगे नहीं आ रहे तो वह साढ़े दर्शकों के बैठ के साथ इस प्रोग्राम को सुन। तुसी मैनू ये दसो जो असी कुरीतियां की गल करी जाने इन्हां दी लिस्ट लंबी हुई जाती है तो जिहड़ियां साडियां बच्चियां ने अज दियां बच्चियां ने इन्हां नू ओ किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने क्योंकि थोड़ा रोज़ दा वाह पैंदा है अज दी जनरेशन नूं या अज दी जिहड़ी फीमेल है इन्हां नू किहड़ियां प्रॉब्लम्स ज़्यादातर आ रही ने या इन्हां दे विच ऐड ऑन आ रही ने किहड़ियां प्रॉब्लम्स ने वो जिन्हां नू इस टाइम असी एड्रैस करन दी सानू लोड़ है। सब तो वड्डी जिहड़ी गल है जो मैं देखती हाँ वो चाहे एक्चुअली इतों दियाँ बच्चियाँ हो जड़ियाँ इतों दियाँ बॉर्न है बट सिमिलर बैकग्राउंड जी उन्होंने सैल्फ रिस्पैक्ट तो नहीं पता सानू सानू एक्चुअली सानू सैल्फ रिस्पैक्ट का पता ही नहीं है। अगर मैं दिन च पांच तो छे केसिस कई बार मैनू लैने होंगे है और उन्होंने मैं गल्लां सुनती हाँ उन्हां दियां तो मैं सुनती हाँ तो मैं शॉक होनी हाँ कि उन्होंने सैल्फ रिस्पैक्ट का नहीं पता सैल्फ लव का नहीं पता सैल्फ आप इस चीज़ में एक डिफरेंट मीनिंग दे दें
कि असी लाइक यू नो ये अपने आप च मस्त है या अपने आप ते खर्चा कर रही है जी, सानू ईगो और सेल्फ रिस्पेक्ट दे विच दी एक बड़ी पतली लाइन है जड़ा सानू पता होना चाहिए है कि वो है ही नहीं। कि एक बड़ी अच्छी गल मैं जो मैं कुछ पढ़ती या सुनती रहनी है कि बहुत अच्छी गल मैं रिसेंटली सुनी कि सेल्फ रिस्पेक्ट और ईगो च ही फर्क है कि सेल्फ रिस्पेक्ट च यह होया कि मैं फोन चुप कर मैं सोचा कि मैं तुहानू मैसेज करा जी, बड़े दिनों तुहाडा मैसेज नहीं आया मैं तुहानू मैसेज करा जी, मैं कीता तुहानू मैं कुछ बार फ्यू टाइम्स मैं तुहानू मैसेज किया है ना, तो ईगो यह हो जाती है कि मैं ही मैसेज क्यों करा जी जी, ठीक है ना, इनिशिएटिव हाँ वो है ही नहीं, मतलब मार खांदी है। एंड कुछ कुछ केसिस इसदा दे आया कि मैं क्या भी तैनू कुटिया गया तैनू मारिया गया हाँ पर फिर वो मैनू सिर ते हाथ रख के मैनू लाइक पुचकार भी देंदे सी, मैं लाइक वो चीज़ा मैनू अंदर तक तोड़ के रख दिंदियां। और एक गल जिहड़ी बहुत वड्डी और मैं हमेशा अपने सैशन च भी कहती हाँ अपन फ्रेंड्स नू कहनी और अपने आप नू भी कि जिथों मैं उठ के आई हाँ कि जब तक तुसी अपने लिए कुछ नहीं करोगे ना रब भी तुहाडे लिए कुछ नहीं करेगा, बिकॉज तुसी यूनिवर्स नू एक मैसेज दे रहे हो कि आई एम ओके अब्यूज चल के मैं ठीक मैं ठीक हाँ जी, तो कि होया मैं ईवनिंग च कुट खा लैनी हाँ तो जी सवेरे तो मैं ठीक ही हाँ जी, ठीक है, तो वह चीज़ा आई डोंट नो कि वह कितों आन गई, उ सैल्फ रिस्पैक्ट है ना जी। सीमा जी बहुत ही डूंघिया गल्ला तुसी साडे नाल कर रहे हो, सानू बहुत कुछ सीखण नू भी मिल रहा है, तो मैं श्योर हाँ जिहड़ी साडी ऑडियंस गल्ला सुन रही है उन्होंने भी अपने अंदर शायद हंगालन का टाइम मिल रहा है, पर हुण असी छोटी जी ब्रेक लैंदे हाँ, तो ब्रेक तो बाद फिर गल्लां दा सिलसिला असी जारी रखांगे। ब्रेक तो बाद एक बार फिर तो सारे दर्शकों का स्वागत है, असी अज सीमा जी नाल उन्हां दे जिंदगी दे सफ़र बारे गल्लां कर रहे हैं, गल्लां ही नहीं इह गल्लां सानूं साडे अंदर भी हंगालन लई सानूं मजबूर कर रही ने। सीमा जी साडे इस शो दे विच असी आम तौर पर एक गल कहने वुमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स, असी वड्डियां गल्लां दी गल कीती पढ़ाई तो हटा लेना फीमेल फिटीसाइड प्रेफरेंस ना देनी डाउरी ये बहुत वड्डियां समस्यावां ने जिन्हां दे उत्ते बहुत लिखिया भी गया पढ़िया भी गया। मैं अज तुहाडे नाल एक सवाल पूछना चाहनी हाँ भी वो छोटिया छोटिया किहड़ियां खुशियां ने जिहड़ियां गर्ल चाइल्ड तो फीमेल तो वुमन तो खोलियां जांदियां ने, तुसीं उन्हां बारे कुछ गल करोगे? उन्हां गल्लां ते असीं एक पूरा शो कर सकते हैं एक्चुअली आई एम श्योर जी। सब तो पहली गल कि जे मैं अपने ते गल करां कि अपने बचपन तो लै के या किसा ते की हुंदा कि उन्हां नूं किसी एक बच्चे नूं भी फ्रीडम ना ही देना, बिकॉज जे सपोज तू कप फड़िया तो तू तोड़ देंगी तू ये सही नहीं कर रही जी, ते को होना नहीं, आत्मविश्वास तोड़ देना, आत्मविश्वास तोड़ देना। कि जब मैं अपनी गल करा कि 8th च मेरी फर्स्ट डिवीजन आई तो मेरे फादर कह रहे हैं जिते पहले टाइम च जदों चैक कर जाते होंगे सके नहीं एक बार फिर चैक करो मेरी कुड़ी फर्स्ट डिवीजन नहीं लै सकती जी, ठीक है उत्थे तुहाडा आत्म फिर तुहाडा वो इंसर्ट हो रहा कितों पेरेंट्स को सोसाइटी को तू नहीं कर सकती तू नहीं कर सकती, उ चीज़ अगे लैके वधे कि नहीं यार मेरे को नहीं होना मेरे को होना नहीं मैं कर नहीं सकती, किसी फ्रेंड ने कर दिता ये को हो जाएगा पर मेरे को नहीं होना, थोड़ी कंडीशनिंग हो चुकी, कंडीशनिंग पूरी हो गई जी। व्याह होया हसबेंड को गई ही वॉज़ वेरी वैल एजुकेटिड अ बिट ओल्डर दैन मी, तो उतों एक पैंपरिंग हो के नहीं तेरे को नहीं होना तू रहन दे तेरे को नहीं होना जी। एंड आई स्टिल रिमैंबर कि जदों मैं बो मैनू अपनी उस जिंदगी तक सिर्फ यही लग्या कि मेरे को वाकई नहीं होना जी। उस लैंग्वेज नू लैके कहो जबकि मैनू अंदरों बहुत फील हुंदा सीगा कि मेरे को बहुत पोटेंशियल है बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है पर तेरे को होना नहीं, उन्हें शेप नहीं दिती, उन्हें शेप नहीं दिती, इनकरेज नहीं किया ना जी। हौली हौली बिकॉज यू नो वट जो तुम कुछ करना चाहते हो ही मैं अपनी औरतों को कहना चाहती हूँ कि जो तुम करना चाहते हो ना वो बीज तुम आप पाना तो किसी ने आके नहीं पाना जी, ठीक है। वैन इट कम्स टू ड्राइविंग वैन इट कम्स टू एनी थिंग कि जो मैनु क्या गया तेको ड्राइविंग नहीं होनी जी, ये आम तौर पर ही सुन लिया तेको होनी नहीं जी, फिर जो हाईवे का लेना से तेको होना नहीं, उदो मैं सोचा कि
तेरे कोल होना नहीं ते हुण मैं करके दिखाना आ। सब तो वड्डी गल जिहड़ी है मैं अपने फ्रेंड्स नाल सारे नाल शेयर करनी चाहवांगी कि मैं पेपर ते लिखना शुरू करता एक ब्लैंक पेपर ते आई विल डू इट एंड वो बाद च आके मैनू पता चलिया कि साइकोलॉजिस्ट या बाकी जड़े किद्दां इस चीज़ नाल रिलेट करते हैं कि तुसी कुछ भी करना है ना उन्हों 21 डेज एक पेपर ते लिखना शुरू कर दो फॉर 21 डेज जी। ठीक है उदों तो मैं एवें नॉर्मली लिखना शुरू करता कि आई विल डेफिनेटली डू इट तो जाके मैं खुद ही प्रैक्टिस की हाईवे तो खुद ही टेस्ट फर्स्ट टाइम च पास करता जबकि जो मैं गार्डिड हो रही थी तो मैं 3 बार फेल हो गई सी समझे। हर तरफ मैं यही देखती हाँ तेरे को होना नहीं तू कर नहीं सकती तू कल्ली घर नहीं कमा तू एक औरत कम कर रही है जी सेम फाइनेंसिस लैके आ रही है। ठीक है घर 12 घंटे की एक डिफिकल्ट शिफ्ट करके घर आके खाना भी बना रही है डबल जॉब कर रही है बच्चों का होमवर्क देख रही है सवेर का ब्रेकफास्ट और लंच पैक कर रही है पर तेरे को होना नहीं जी सब का ध्यान रख सकती पर तू कर कुछ नहीं पर तेरे को होना नहीं जी आम तौर पर सुन लिया जाता है घर के बीच जी। ठीक है ना जी सीमा जी इन गलों के एक गल होर मेरे दिमाग के आ रही है जिन्होंने अजक असी बड़ी फैंसी टर्म दे चुके हाँ बॉडी शेमिंग के नाम से असी कोई फिल्म देख लीए कोई एडवरटीजमेंट देख लीए वो जो विमेन करैक्टर होंगे प्रोटैगनिस्ट है या मॉडल है वह खूबसूरत होना जरूरी है ता ही वो गल मनी जाऊगी ता ही वह इंपैक्ट पा पाऊगी तो जे वह पावरफुल भी दिखाई जाती है वह किसी पासों साउथ एशियन कम्यूनिटी के साडे पंजाबियों के पॉइंट ऑफ व्यू नालों गोरी होवे लंबी होवे पतली होवे ते फिर ही उदी गल दे विच वजन है फिर ही वह फीमेल स्टार है अदरवाइज़ असी उन्हों बॉडी शेमिंग दे एक कॉन्सैप्ट दे विच फिट करके बिल्कुल पासे ला दें तो ये बारे की कहना चाहोगे। ये बारे मैं बहुत कुछ ही कहना चाहूँगी जी अज मौका है बिकॉज दूसरा तो मैं की शुरू करा मैं अपने आप तो शुरू करूँगी कि मैं आई एम नॉट टॉल तो जदों मेरे लिए रिश्ते आ रहे सी जस्ट बिकॉज मैं गोरी सी पर मैं टॉल नहीं सी जी मैं ग्रेड 9 या 10 च होवांगी तो वन ऑफ दैट नेबर मन मेरी मम्मी ने कहती है कि तुहाडी कुड़ी का रिश्ता मैं अपने जेठ के मुंडे नाल करदा कुड़ी तो बहुत सोहनी है गोरी चिट्टी है पर ना गिठी है। ठीक है फिर बच्चे छोटे होणगे रिजैक्शन जी। ठीक फिर कितने भी जाओ ओ माई गॉड यू आर वेरी शॉर्ट। ठीक है वो चीज़ करते 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 वो जिवें तुसी पहला क्या कंडीशनिंग वो कंडीशनिंग होगी उसने आत्मविश्वास ने हौली हौली तोड़ना शुरू करता कि मैं ब्यूटीफुल है नहीं मैं कुछ कर नहीं सकती मैं ब्यूटीफुल नहीं हैगी आई एम गुड फॉर नथिंग फॉर द सोसाइटी बेसिकली जी। और मैं वाकई जब तक मैं यकीन किया ना मैं वाकई कुछ नहीं कर सकी और जो और हूँ जो मैं एक काउंसलर हाँ और जो मैं इन्होंने चीज़ों देखती हाँ एंड मैं इस करके मैं समाइल किया मैं हसी क्यों सी क्योंकि साढ़े एक ससुराल नू या हसबेंड नू या किसी नू भी एक पतली लंबी गोरी बहु चाहिए है तुहाडा मुंडा जड़े मर्जी रंग दा होए जी। ठीक है बच्चे तुसी एक्सपैक्ट करते हो एंड सानू सारे नू पता है कि बच्चे दो जने मिलके बनाते हैं लेकिन सारी एक्सपेक्टेशन एक कुड़ी तो है इट मीनस कि तुसी अपने बेटे की इनकेपेबिलिटी दिखा रहे हो उहदे च कि हो सकता है उहदे चला जाए नंबर वन फिर जो तुहानू तुसी मॉडल ले आंदे हो तो फिर मॉडल दे नखरे क्यों नहीं सह सकते। ठीक है ना असी यह सोच के लिया ही नहीं रहे कि असी एक बहु मतलब एक इंसान लैके आ रहे इजंट इट कि जिवें गावां मझां बकरियां नू देखिया जाता है उन्होंने जो उन्हों का काम है उस हिसाब न। ठीक है एक बड़ी खूबसूरत ज कोई कुड़ी लियाए उन्होंने तुम लिया के रखना किचन च है मुंडा जमन के हिसाब से तुम एवरी ईयर वो बच्चे पैदा करने हैं तो वह मॉडल भी तो मॉडल नहीं रहेगी। ठीक है जड़िया जड़े एवरी डे ऑन डेली बेसिस से मैं जो केसिस हैंडल करती हाँ वो बेसिकली एक्सटरनल मैरिटल अफेयर का जोड़ा है तुसी एक मॉडल लेके आए उन्हों तुसी की हाल किया बार फिर तुसी मॉडल नाल घूम रहे हो आई थिंक सोसाइटी कन्फ्यूज है डबल स्टैंडर्ड्स डबल तो भी शायद मल्टीपल स्टैंडर्ड्स कि जो तुसी गल करते हैं तो वो जड़ी मॉडल नाल घूम रहा है
अगर वो मॉडल नूं घर लेके आएगा एंड सेम पैटर्न होएगा तो इट्स सेम थिंग बेसिकली जी। उम्मीद थोड़ी कुछ होर सी, हुण उम्मीद तुसी हुण ओ तुसी सारा सिस्टम खराब करके ते हुण तुसी बाहर पालदे हो। ये आम तौर पर अजकल सोसाइटी का फैशन ही बन गया हो गया। तो तुसी जिद्दां रोज़ दे केसिस डील करते हो, एक्सट्रा मैरिटल अफेयरस आने, इन्हां नूं अपनी वुमेन किद्दां चल रही है? मैं पंजाबी वुमेन की गल कर रही हूँ इत्थे, अपनी वुमेन इनू किद्दां चलती है या बर्दाश्त तो बाहर होंदी है या की स्टैप लैंदी है इनू इनू रेमेडीफाई करन लई की करदी है? इहदे ते टू मी इट्स वेरी सरप्राइजिंग समटाइम कि कुछ लोगों का हैगा कि डेफिनेटली उन्हां दी तड़प है कि देखो एक औरत है अगर जदों कुड़ी बन के कुड़ी दा व्याह होया एक औरत बनी एक बच्चे दी माँ बनी डेफिनेटली तुसी उन्हें इन्ना टाइम ही नहीं दे रहे सैल्फ ग्रूमिंग का ओदे कोल अपने बाल नूं बाँध दा टाइम नहीं हैगा और तुसी चाहते हो कि वह मॉडल जिहड़ी लैके आए सी वह डिसअपेयर हो गई क्योंकि तुसी पानी दा तुहानूं पता ही नहीं कि पानी दा गिलास किचन च पिया कित्थे है कि तुसी आप लै लवो। और जिहड़ा साडियां कुड़ियां नूं कंडीशन किया जाता कि बस यही है और अगले जे तेरा पहला जन्म है तो अगले जो 6 जन्म आएंगे वो भी यही है सो बेसिकली लिव और जस्ट डाई जी। वो कुड़ियाँ कहदियाँ चलो ठीक है बाहर भी करके आ जाए लेकिन घर मैं भी तो टाइम दवे। देर आर सम वमेन और मैं सरप्राइज होनी है कि इट्स 2020 बहुत खूबसूरत नॉट खूबसूरत मैं कह रही हाँ उन्हां दी सोच सीरत तो उन्हां दी सोच तो बहुत खूबसूरत कुड़ियाँ पढ़िया लिखिया कुड़ियाँ है नहीं कि कोई अनपढ़ अजकल कोई कुड़ी तो घट पढ़ी लिखी है ही नहीं ठीक है। और बट क्योंकि मम्मी ने कहा बस इत्थे जिथे विआह किया उत्थे ही रहना है जी। कुछ जिहड़ा हैगा ग्रुप वो आवाज़ उठाता है वो चिल्लांदा इस बारे एंड लेकिन क्योंकि जिहड़ा जो भी पावर च है हसबैंड पावर च है क्योंकि उन्हां नूं लगता है कि वह फाइनैंशियली प्रोवाइड कर रहे चीज़ा क्योंकि डेफिनेटली अगर तुहाडे बच्चे छोटे तो तुसीं या मैट लीव ते हो या थोड़ा जिहा टाइम दे रहे हो अपने करियर नूं तो कहता कि तू चली जा जे तू बर्दाश्त नहीं करना तो तू चली जा वरना इस तरह बर्दाश्त कर ए वी अब्यूज़ दा एक पैटर्न बहुत ज्यादा है हाँ जी क्योंकि वो कहनी मैं मार खा सकती हाँ एटलीस्ट तो मेरा तो है ना पर छड़ के नहीं जा सकती छड़ के तो ए वी कंडीशनिंग दे विच इहदियां रूट्स नहीं है तू रहना तो इत्थे ही रहना नहीं तो जो है बस चलती रह दुनिया की कहेगी अज की डेट च भी बिलीव करो पुनीत जी मैनू समटाइम जो मैं इदा के केसिस देख रही हूँ मैं इवें लगता है कि 1980s च अगर मैं सोशल वर्कर हाँ काउंसलर हाँ तो मैं अपनी माँ नाल गल कर रही हूँ जिदा कि तुसी शो दे शुरू च गल कीती कोई फर्क नहीं पिया ना। मैं थोड़ा जिहा पॉज लिया थोड़ी ये गल नूं डाइजेस्ट करन दे विच एक्चुअली असी हमेशा गल करते हाँ भी जिंदगी दे विच बदलाव आ रहा है चाहे असी अपने लास्ट एपीसोड दे विच फिल्मां दे नाल बदलाव की गल कीती सी चाहे असी अपने इस एपीसोड दे विच पढ़ाई दे नाल बदलाव की गल कर रहे हाँ पर बदलाव हजे बहुत थोड़ा आ रहा है सानू इस बदलाव नू जल्दी ते तेजी नाल लिआउण दी लोड़ है। गल्लां दा सिलसिला इदां ही चलता रहेगा असी एक ब्रेक लई रुकदे हाँ उहदे तों पहलां थोड़े नाल फिर तो एक इनफॉर्मेशन शेयर कर ली कि जिहड़ियां भी औरतां या थोड़े नाल थोड़े फ्रेंड्स या थोड़े रिश्तेदार या होर पीयर सपोर्ट सर्कल दे विचों किसी नू भी डोमैसटिक वायलेंस डोमैसटिक अब्यूज़ की कोई प्रॉब्लम आ रही है तो हेठ दिते नंबरां ते प्लीज़ कॉन्टैक्ट करो असी PCHS दे विच डोमैसटिक वायलेंस सर्विसिज़ प्रोवाइड करते हैं। ब्रेक तो बाद फिर मिलते हैं। PCHS मीडिया के प्रोग्राम द पर्पल टेल्स देख रहे सारे ही दर्शकों का एक बार फिर तो स्वागत है। साढ़े नाल स्टूडियो दे विच अज मौजूद ने सीमा जी जो कि अपनी जिंदगी के डूंघे सफर नू साढ़े नाल ते साढ़े दर्शकों के नाल डिस्कस कर रहे हैं। आओ गल्लां दा सिलसिला जारी रखते हैं। सीमा जी ब्रेक ते जाण तों पहलां असी बदलाव की गल की सी असी ये कहा सी बदलाव आ नहीं रहा या बहुत हौली बदलाव आता है तो वह जो बनता बदलाव है तुहाडे हिसाब दे नाल किहड़े टूल्स ने जिन्हां नू असी लैके आईए तां जो बनता बदलाव भी आवे तेज़ी नाल आवे ते उहदा असर सोसाइटी दे उत्ते पॉजिटिव होवे। पहला तो देखो शुरुआत होंदी है बच्चों तो असीं ऐसे अपने बच्चे रेज किद्दां कर रहे हैं जी। अजकल बच्चों नू लाइक नू असीं सोचते हैं कि उन्हां दी जिहड़ी परवरिश है कि साड़ी परवरिश किन्ने कीती मेरी परवरिश कीती मेरी माँ ने तो मेरी माँ की परवरिश किन्ने कीती उहदी माँ ने कि ऑलमोस्ट 100, 150, 200, 500 साल पुरानी परवरिश ते आपां करदे हां जी। ठीक है पहली गल ते कि असीं नवीं
परवरिश नू एक एक नवी सोच लैके आए परवरिश पंजाबी कम्यूनिटी हेल्थ सर्विसिज और इदां दीआं होर कई संस्थावां ने इंस्टीट्यूट्स हैगे आ ऑर्गनाइजेशनस हैगियां जो कि तुहानूं पेरेंटिंग दे सैशनस दिंदियां जरूरी नहीं हुंदा समटाइम कि तुहानूं प्रॉब्लम आवे ते तुसीं जाओ है ना प्रिवेंशन आपां की कहिंदे आ जो असं कहने कि असी मोटरसाइकिल या स्कूटर चला रहे हैं तो हैलमेट लगा रहे हैं तो कि वह प्रिवेंशन है ना जी ठीक है असी अपनी हैल्थ का ध्यान रख रहे हैं एक हैल्दी खा रहे हैं प्लस असी मल्टीवाइटामिन लै रहे हैं वह क्यों लै रहे हैं असं बीमारी के आने तो बाद तो नहीं कर रहे बीमारी तो पहला की गल कर रहे हैं जी तो क्यों अपने आप न और कई लोगों से मैं देखा कि साढ़े को टाइम नहीं है पर जो प्रॉब्लम आएगी तो टाइम होएगा जी ठीक है ना पहली गल तो असी अपने वाल देखिए एज ए ह्यूमन एज ए पेरेंट या एज ए हसबेंड या एज ए वाइफ एज ए फादर एज ए मदर कि असी अपनी फैमिली नू की कर रहे हैं क्योंकि जो साढ़े नाल हो गया वो एक चीज़ है लेकिन क्या मैं अपने बच्चे नू मैं अपने बेटे नू या मैं अपनी बेटी नू इन्हू सोच कितना देनी है मैं चंगी पेरेंटिंग की सोच देनी है मैं की चाहना मैं क्यों की सोचे जी ठीक है ना तो पेरेंटिंग तो आ गया ठीक है प्रॉब्लम चलो एक चीज़ होया प्रॉब्लम आई अगेन मैं उही कहांगी कि डरना क्यों है असी कोई इस त्री जगह च नहीं बैठे कि जिथे कोई कुछ भी हो जाएगा ठीक है हर चीज़ का अगेन कि जो घर कोई भी मसले होंगे नॉर्मल खटपट होंगी है 911 कॉल करना सोल्यूशन नहीं होंगे बेशक वो हसबेंड लई भी या वाइफ लई भी और भी जोड़े ऑर्गनाइजेशन है वह हेल्प ली है जी वो हेल्प ली है एंड समटाइम जरूरी नहीं होंगे कि प्रॉब्लम लाउडर लैवल पर है ठीक है मोटी मोटी खटपट भी हो रही है लेकिन वो तुहाडे जिहड़े सुकून नू बर्बाद कर रही है जी ठीक है बहुत लोगों च मैं सुनिया जाता है कि काउंसलर क्योंकि वो जाना मैं पागल हाँ तू पागल है तू चली जा जी या वाइस वर्सा काउंसल देखो अपने बुजुर्ग की सी अपने बुजुर्ग भी काउंसलर ही थे काउंसलर ठीक है ना तो क्योंकि वो डेकेड्स ओवर डेकेड्स जो चीज़ा बदलिया और चीज़ा ने डिफरेंट रूप लैना शुरू किया ठीक है ना जिन्ना जमान टीवी नहीं होंगे उन्होंने जमान सब लाइक यू नो पिंड बह के आपस ग्रुप च बह के गल् शेयर होंगे सी कुछ मनोरंजन होंगे सी पर हौली हौली चीज़ा चेंज हुई असी सोचिए कि क्या असी बदलाव न जड़े मीडिया चाहे बदलाव लाइक यू नो हूँ खबर डिफरेंट हो गई यू नो एक टाइम च कृषि दर्शन होंदा सीगा अज कोई वो नहीं देखदा जी ठीक है एक टाइम च टीवी खराब होंदा सी तां उहनूं रिपेयर कीता जांदा सी अजकल सुट दिंदे आ असी जो कर रहे हैं असी जे ओह वाले बदलाव ना लै के चल रहे हैं तो बाकी बदलाव नूं क्यों नहीं जी ठीक है ना सैल्फ रिफलैक्शन की बड़ी लोड़ है बहुत ज़्यादा सैल्फ रिफलैक्शन मतलब कि अपने आप वाल झांकन की कि जे मैं एक्स वाई जैड तो प्रॉब्लम हो रही है पहला मैं अपने वाल देखा कि क्या मैं ऐसा की कर रही हाँ या मैं की कर रहा हाँ इज़न्ट जी क्योंकि बदलाव मैं तुहाडे तो नहीं शुरू होएगा मेरा बदलाव मेरे तो शुरू होएगा जी उस चीज़ की बहुत लोड़ जी सीमा जी ने बहुत ही सोहनी गल की है जिदे विच उन्होंने कहा कि प्रिवेंशन इज बैटर दैन क्योर जे असी प्रिवेंशन नू एक बेसिक चीज़ समझ के असी काउंसलिंग लईए या फिर असी उस चीज़ नू पहला ही रोक लीए तो यह जड़े आने वाली साड़ियाँ जिन्हां गल्लां बारे असी हुण तक डिस्कस किया कुरीतियां बारे जिन्हां बारे गलबात की इन्हां नू रोक लिया जा सकता है इन्हां ही प्रिवेंशनस का सारियां तो पहला मैं थोनू इनफॉर्मेशन शेयर करना चाहवांगी जे तुसी या तुहाडे किसी चाहण वालियां नू पेरेंटिंग सैशनस की ते या फिर मैरिज काउंसलिंग की लोड़ है तो प्लीज़ हेठ दिते नंबरां दे उत्ते कॉन्टैक्ट जरूर करो असी ये सर्विसिज थोनू प्रोवाइड करते हैं सीमा जी आपां अपनियां गल्लां दा सिलसिला भी नाल नाल जारी रखते हैं मेरा आ साडा लास्ट सैक्शन है हुण इस प्रोग्राम का ये असी ये गल कर लिए भी जोड़े साढ़े देख रहे दर्शक ने चाहे वह फीमेल ने चाहे वह मेल्स ने तुसी ये सारिया गल्लां बारे उन्होंने की मैसेज देना चाहोगे जो तुसी अपनी जिंदगी तो सीखिया जो तुसी अपने हुन सोशल वर्कर के तजर्बे तो सीखिया तुसी इहदा की मैसेज देना चाहोगे साड़ी ऑडियंस नूं बहुत अच्छा सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है मेरा संदेश उन्होंने यही होएगा मैसेज उन्होंने यही होएगा कि प्रॉब्लम्स हर जगह आती हैं जी और जिंदगी ख़त्म हो जाएगी
मैं बहुत ही अच्छे तरीके ना अपने क्लाइंट्स नू जदों समझानी हाँ कि जदों कहंदे कि ये प्रॉब्लम्स खत्म नहीं हो रही तो मैं कहंदी हाँ कि जदों ECG की रिपोर्ट जदों बिल्कुल स्ट्रेट लाइन च आती है तो उहदा मतलब है कि यू आर डेड जदों वो उच्ची नीवी हुंदी है मीन्स यू आर अलाइव लाइफ विल बी लाइक दैट लाइफ विल बी स्ट्रेट वैन वी आर डेड जी ठीक है चीज़ां नू टुटियां हुई हैं या दड़ रही हैं असीं उहनां नू किद्दां जोड़ सकते हैं एक ऐसी की ग्लू है या मैं इन्हों कि फिक्स कर सकता हर चीज़ को तोड़ के छड़ के नवी लैन का असी क्यों सोचिए एक विआह नू भी क्यों सोचिए अगेन मेरे को कुछ ऐसे क्लाइंट्स है जेडे सिर्फ आते हैं प्रॉब्लम्स छोटिया मोटिया है जिन्हों के नाल मेरे को आते हैं प्रॉब्लम है चल रही है सानू नहीं पता कई बार असी अपने ही स्ट्रैस कह लो अपनी डिफरेंट टाइप दी प्रॉब्लम्स सानू नहीं सानू कई बार पता ही नहीं कि साड़ियाँ प्रॉब्लम्स की है उन्हों लैके जो मेरे को आते हैं कि मैं घर नहीं तोड़ना चाहती पर मैं प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्होंने कहते हैं लाइफ स्किल्स जी जरूरी नहीं है कि मैरिज काउंसलिंग करवाई जाए कि जी उस लफ्ज़ का तुहाडे ते नैगेटिव इंपैक्ट होंदा उन्हों लाइफ स्किल्स भी कहते हैं एंड मैं एक्चुअली उन्हां जिहड़े मेरे मेल क्लाइंट्स है मैं उन्हां दी दाद देना चाहवांगी कि वो एक नॉर्म तो निकल के बाहर आके वो लिटरली मेरे को आते हैं एंड आई एम सो प्राउड ऑफ दैम कि मैं ऐसा की कर रहा वहाँ या मैं की नहीं कर रहा लाइफ स्किल्स है ना क्योंकि असी समटाइम जो देखिया असी वो रिपीट कर रहे वो हो सकता कि तुहाडे माँ बाप दे नाल चल गया तुहाडे दादा दादी नाना नानी नाल चल गया वो अज नहीं चलेगा समय दी लोड़ सी समय तुसी ये नहीं सोच रहे हो कि तुसी अपना तो जो भी खराब कर रहे हो जिहड़ी बच्चों की एक जनरेशन है वो जनरेशन तो जनरेशन असी खराब कर रहे हैं जिहड़ी गल मैं सब तो पहला कही सी कि अगले 100, 200, 500 साल तक कोई बदलाव का किताबां जरूर लिखिया जाएगियां भाषण जरूर दिते जाएंगे पर बदलाव यही बदलाव है जी बेशक किताबां घट लिखिया जान जी पर असी अगर हर कोई सोच ली कि मैं आखिरी मैसेज यही होएगा कि अज तो जो जो भी सुन रहे हैं कि मैं अपने च एक कि बदलाव लेके आना चाहना वा बेशक वो मेरी कोई आदत ही है जी जी यही मैं मैसेज बहुत ही खूबसूरत गल की है सीमा जी मैं असी अपने दर्शकों को दस दिए कि हुण असी प्रोग्राम के एंड वल वध रहे हैं पर इहदे तो पहला एक सीमा जी ने जिहड़ी गल की बदलाव मेरे तो आना है तो असी इस प्रोग्राम के थ्रू हमेशा यो मैसेज दें कि वैमेन राइट्स आर ह्यूमन राइट्स असी इस प्रोग्राम नूं प्लेटफॉर्म बनाया है ताकि साडियां साउथ एशियन वैमेन दी अचीवमेंट्स नूं उहनां दी जिंदगी नूं या उहनां दे संघर्ष नूं असी इस प्लेटफॉर्म ते लैके आईए ते लोकां तक पहुंचाईए ताकि वह भी एक आवाज़ बन के दूजियां नूं मोटीवेट कर सकन सीमा जी असी बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ थोड़े थोड़ी जिंदगी दे विचों सानू बहुत कुछ सीखण नूं मिलिया असी इस प्रोग्राम नूं बहुत ही जिंदा दिली दे नाल अग्गे वधाया साडे दर्शकां ने थोड़ी जिंदगी दे विच एक झाक भी मार के देखी जिहड़ी मैनूं पूरा यकीन है कि उन्हां नूं बहुत कुछ सिखाऊगी थैंक यू सीमा जी बहुत बहुत शुक्रिया तुसीं साडे प्रोग्राम दे अज विच आए ते साडे दर्शकां दे नाल गल्लां कीतीआं एक्चुअली थैंक यू टू कि मैनूं पंजाबी कम्यूनिटी हैल्थ सर्विसिज़ ने और तुसीं मैनूं मौका दित्ता और मैं अपनी दिल दीआं गल्लां अपने दर्शकों नाल सांझियां कर सकी बहुत बहुत शुक्रिया जी जाने तो पहला मैं अपने दर्शकों को एक संदेश देना चाहवागी कि जेकर तुसी या तुहानू जानन वाले कोई भी वैमेन जिन्हां ने अपनी जिंदगी दे विच कुछ अचीव किया है या उन्हां दी जिंदगी तो असी कुछ सीख सकते हाँ साडे दर्शक कुछ सीख सकते हैं जे उन्हां नू जानते हो तो सानू प्लीज़ हेठ लिखे नंबर के उत्ते कॉन्टैक्ट करो असी उन्हां नू इस प्रोग्राम विच लैके आवांगे तो उन्हां दे विचार उन्हां दी जिंदगी बारे गल्लां करांगे तो लोगों नू जागरूक करांगे मेरे वल्लों प्रोग्राम के अंत विच तुहानू सब नू शुक्रिया थैंक यू